हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैंने रिवीजन में आपको तुलसीदास के फूल के वीडियो में पढ़ाया था, आज मैं उसी के आगे का भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें दोहा संख्या 2 से प्रारंभ करूंगी। इसमें दिया गया है, राम ही प्रेम समेत गति सखिन समीप बुलाई, सीता मातु समेत वस्तु वचन गाए बिलखाए। इसमें वर्णन किया गया है कि जब श्री राम मंच पर उपस्थित होते हैं तो श्री राम की किशोरावस्था और उनकी कोमलता देख करके सीता जी की माँ अत्यंत चिंतित होने लगती है कि ये किशोर बालक इस कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तो अपनी इसी चिंता को अपनी सखियों के सामने व्यक्त कर रहे हैं, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही प्रेम समेत रखी, श्री रामचंद्र जी को प्रेम समेत, प्रेम के साथ लखी माने देख रहे, अर्थात सीता जी के माता ने श्री राम को बड़े प्रेम से देखा और उनको देखने के बाद सखिन समीप बुलाई, अपनी सखियों को समीप बुलाई, अपने पास बुलाया। सीता मातु स्नेह बस, और स्नेह बस माने स्नेह के वशीभूत होकर के सीता जी की माता वचन कहे बिलखाए, बिलखाए माने दुखी होकर के वचन कहे, अपनी सखियों से इस प्रकार के वचन कहने लगे। तो क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी यहाँ पर सब कौतुक माने जो आश्चर्यजनक धनुष यज्ञ का कार्य हो रहा है, इसको देखने वाले माने देखने वाले, यहाँ पर जो भी इस आश्चर्यजनक कार्य को देखने वाले आए हुए हैं, जो कहावत हेतु हमारे, और जो माने जो कहावत माने कहलाते हैं, हेतु हमारे, हमारे हेतु माने हितैषी, और जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, को ना बुझाई कहीं दूर पाई, इन सब में से को न कोई भी न बुझाई, समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है, कहे गुरु पाही, और गुरु पाही माने गुरु के पास जाकर के कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। तो गुरु के पास जाकर ना तो कोई कुछ कह रहा है और ना ही उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है कि ए बालक असी अठ फलिना, कि ए बालक ये जो राम है ये अभी बालक है और असी हट, और इनके लिए इस प्रकार का कठोर हट करना भली नहीं, ये उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चाहा, सीता जी की माँ क्या कहती हैं कि रावण ने और बाण माने बाणासुर ने छुआ नहीं चापा, चापा माने जिस कठोर धनुष को छुआ नहीं, छू तक नहीं पाए। रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा भी जिस कठोर धनुष को छू तक नहीं पाए हैं, हारे सकल भूप करिदा, यहाँ तक कि सकल भूप संपूर्ण भूप माने राजा भी करिदा पा माने अपना गर्व प्रदर्शन करके, अपनी शक्ति प्रदर्शन करके हारे हार चुके हैं, उन्होंने भी हार मान ली है कि तो संपूर्ण राजाओं ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने भी हार मान ली है। सो धन राज कुंवर कर दे, सो माने वही कठोर, धन माने धनुष, वही कठोर धनुष राज कुंवर कर दे, इन किशोर राजकुमार के कर देही माने हाथ में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ले, सीता जी की माँ क्या कहती है कि बाल मराल, क्या
मराल माने हंस के, बाल माने बच्चे, मंदर ले, मंदर माने मंदराचल पर्वत को ले माने उठा सकते हैं। तो क्या बाल हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं? अर्थात जब बाल हंस मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकते तो ये किशोर राम जिनका शरीर अत्यंत कोमल है ये इस कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे? भूप सयानम सकल सेनानी, यहाँ तक कि वो राजा जनक की सयानक माने जो समझदारी थी, चतुराई थी, सकल सेनानी सब व्यर्थ हो गई है। सकी विधि गति कछु जात न जाने, तो सीता जी की माँ क्या कहती है कि सकी वे सकी विधिगत विधाता की जो इच्छा है कछ जाति न जाने, कुछ जानी नहीं जा सकती है कि ईश्वर विधाता क्या करना चाहता है ये कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदु वाणी, तो सीता जी की माँ के इन भावपूर्ण वचनों को सुन करके उनकी जो चतुर सखी थी वो मृदु वाणी मधुर मधुर वाणी में बोली कहने लगी। तेजवंत लग बनिए न रानी, कि हे रानी जिन राम को आप इतना छोटा समझ रही हैं, किशोर अवस्था का समझ रही हैं, वास्तव में वे तो बड़े ही तेजवंत तेजस्वी हैं। लघु गणीय इनको लघु माने छोटा, गणीय ना माने मत समझो, हे रानी ये जो राम है ये बहुत ही तेजवान है तेजस्वी है इनको आप छोटा मत समझो। कहा गुंबज कहा सिंधु अपारा, तो वह सखी विभिन्न उदाहरण दे करके दृष्टांत दे करके सीता जी की माँ को समझाने का प्रयास कर रही है। वह सखी सीता जी की माँ से क्या कहती है कि कहा कुंभज, कहा तो कुंभज माने अगस्त ऋषि, कहा सिंधु अपार और कहा अपार सिंधु माने सागर, कहा तो अगस्त ऋषि और कहा विशाल सागर, सोसेव लेकिन फिर भी अगस्त ऋषि ने उस विशाल सागर को सोसेव माने सुखा दिया। सुजस सकल संसार और सकल संसार संपूर्ण संसार में सुजस माने अपना यश फैला दिया। इसी प्रकार से रविमंडल, रविमंडल माने सूर्य का जो बिंब है, देखत लघु लागा देखने में लघु लागा छोटा लगता है। उदय ताश लेकिन उसके ताश माने उसके उदय उदित होते ही त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन माने तो तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है दूर हो जाता है। तो सूर्य का बिंब देखने में अत्यंत छोटा लगता है लेकिन उसके उदय उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों अब इसमें काव्य का सौंदर्य देखेंगे भाव पक्ष में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीता जी की माँ की व्याकुलता का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सीता जी की माँ की जो सखी है उनके वाक चातुर्य का वर्णन किया गया है, बड़ी चतुराई से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कला पक्ष में भाषा में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली में भावात्मक शैली और प्रबंध शैली हो जाएगी। शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, रस में यहाँ पर करुण रस लिख सकते हैं, छंद में दोहा और चौपाई छंद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिखा जा सकता है और अनुप्रास के साथ साथ यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोहा संख्या है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सर सुर सर्व महामंत गजराज कहूं बस कर अंकुश धारे। इसमें भी सीता जी की माँ की सखी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं और
कई उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या कहती हैं कि मंत्र परम लघ, जो मंत्र होता है परम लघ अत्यंत छोटा होता है, जास बस, लेकिन जिस मंत्र के वश में विधि ब्रह्मा हो जाते हैं, हरि विष्णु हो जाते हैं, हर शिव हो जाते हैं, सुर सर और सभी देवता हो जाते हैं। ये मंत्र अत्यंत छोटा होता है, लेकिन फिर भी उस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा शिव और विष्णु हो जाते हैं तथा सभी देवता उस मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं। महामत गजराज को, यहाँ तक कि महामत अत्यंत मत वाले गजराज को, हाथी को भी बस कर, बस में कर लेता है अंकुश खर। खर माने एक छोटा सा, अंकुश माने लोहे का काटा। कि बड़े बड़े मत वाले हाथी को भी एक छोटा सा लोहे का काटा भी उस हाथी को वश में कर लेता है। काम कुसुम धन सहायक ही, उसी प्रकार से कामदेव की कुसुम धन सहायक ही, कुसुम पुष्पों का धन धनुष और सहायक बाण लीने माने ले करके, कि कामदेव की पुष्पों का धनुष और बाण ले करके सकल भुवन अपने बस दीने। सकल भुवन संपूर्ण भुवन माने संसार को अपने बस कीने, अपने बस में कर लेते हैं। देवी तजिय संशय अस जाने, वह सखी क्या कहती है कि हे देवी, हे देवी, तजिय माने त्याग दो, संशय माने शंका, या आपके मन में जो शंका है उस शंका को त्याग दो, अस जाने, इन सब बातों को समझते हो, तो इन सब बातों को समझकर आप अपने मन की शंका को निकालो। भंजन धनुष राम सुन रानी, ये सुन रानी, हे रानी मेरी बात सुनो। भंजन धनुष राम, श्री राम धनुष को अवश्य ही भंजन माने तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय पड़ती थी, इस प्रकार से जब सीता जी की माँ ने अपनी सखी के वचन, इन वचनों को सुना, तो सुनी उन वचनों को सुन करके भय परिती थी, भय परिती थी माने उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया। मिटा विषाद और उनका विषाद माने जो दुख था वो मिटा, मिट गया, समाप्त हो गया। बढ़ी अति प्रीति और उनके मन में राम के प्रति अत्यधिक प्रेम भावना बढ़ गई। तब राम ही विलोक की वैदेही, उसके पश्चात राम ही श्री राम को विलोक माने देख करके वैसे ही सीता, उसके बाद सीता जी ने श्री राम को देख करके सभय हृदय, बड़े ही भयभीत हृदय से विनवत जिहते, विनवत माने विनती करने लगी, जिहते ही माने जिस किसी देवता की। तो उसके बाद सीता जी ने राम को देखा और राम को देखने के पश्चात वो भयभीत हृदय से जिस किसी भी देवता का नाम के मन में आ जाता वो उन्हीं से विनती करने लगती। मन ही मन मनाव अकुलाने, वो मन ही मन, मनाव माने मनौती मनाने लगी और अकुलाने माने व्याकुल होने लगी। वो प्रसन्न महेश भवानी, सीता जी शिव जी और भवानी पार्वती जी से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझ पर वो प्रसन्न प्रसन्न हो जाइए। करो सफल आपने से बताए और करो सफल, सफल कर दीजिए आपने से बताए अपनी सेवा, और आज अपनी सेवा सफल कर दीजिए। अर्थात आज तक मैंने जो आपकी पूजा की है, जो आपकी सेवा की है, वो सेवा आज आप सफल कर दीजिए, उसका फल आज मुझे दे दीजिए। कर हितु हरम चाप घर वाले, और कर हित हमारा हितु, हित चाहते हुए, भलाई चाहते हुए, हरो माने हर लीजिए, चाप घर, चाप घर वाई माने
धनुष के गरुआई माने भार को, और हमारा हित चाहते हुए इस धनुष के भार को हर लीजिए। गण नायक वर दायक देवा, सीता जी गण नायक गणों के नायक गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणों के नायक वरदायक वर प्रदान करने वाले देवा, हे देव महेश, आज लगे आज तक कीनेव तू सेवा, कीनेव माने की है, तू सेवा तुम्हारी सेवा, आज तक मैंने जो तुम्हारी सेवा की है तो बार बार विनती सुन मोरे, ठीक, बार बार विनती, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, सुन मोरी, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। करो चाप भूलता अति थोड़ी, और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि चाप धनुष की भूलता माने जो भार है अति थोड़ी, उसको अत्यंत हल्का कर दीजिए। तो इसके बाद इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि वस्तु के आकार से उसकी शक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे यहाँ पर सीता जी की व्याकुलता का और उनकी मनोदशा का बड़ा ही स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। इसके बाद कला पक्ष में भाषा में अवधि भाषा है, शैली में भावात्मक शैली और प्रबंध शैली है, शब्द शक्ति में लक्षणात्मक शक्ति है, गुण में प्रसाद गुण हो जाएगा, रस में करुण रस हो जाएगा, छंद में दोहा और चौपाई छंद है, अलंकार में इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये दोनों भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।